आइए आज हम सीखते हैं एक जैकेट बनाना। जैकेट बनाने के लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े की चौड़ाई 19 इंच है, खुलकर यह 38 इंच 38 इंच होगी। और इस जैकेट पर हम इस लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जैकेट की लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी है 20 इंच 20 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा सिलाई और मार्जिन के लिए। इसमें हम अस्तर लगाएंगे तो इसके लिए हमने 1 इंच ही प्लस किया है। अगर आप अस्तर नहीं लगा रहे हैं तो आप 1.5 इंच प्लस कीजिए। मेन फैब्रिक हमारा यह है, यह 1 मीटर फैब्रिक है यह भी, और यह हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो मैं आपको पहले अस्तर की कटिंग करके बताऊंगी, फिर हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे तीरे का आधा। तीरा हमारा है 15 इंच 15 इंच, तो उसका हाफ आएगा 7.5 इंच 7.5 इंच। हम यहाँ से 7.5 इंच ले लेंगे। इस जगह पे हमारा आर्म होल रहेगा 8.5 इंच, क्योंकि ये जैकेट है, जैकेट का आर्म होल थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ से 8.5 इंच लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा प्लस 2 इंच। सीने का नाप 45 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे। 45 इंच पे आप इंची टेप को डबल फोल्ड कर रखिए, फिर उसके बाद आप इसको 4 फोल्ड कर लीजिए। तो हमारा आता है 11.5 इंच 11.25 इंच। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये जैकेट है इसमें हम अंदर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, तो हम 1.5 इंच इसमें प्लस कर लेंगे। तो हमारा आ रहा है 11.5, तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12.5 इंच। क्वार्टर 12.75 इंच हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ से 12.75 इंच ले लेंगे। इस जगह पर भी हम इतना ही रख लेंगे जो हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि ये जैकेट है तो जैकेट में नीचे थोड़ा लूज हो जाता है तो ऑटोमेटिक, इसलिए यह हम इसके सीने के बराबर ही रखेंगे। अब हम ये जो कर्व वाला स्केल है इससे यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे देंगे। इसको हम जनरली हम ऐसे रखते हैं, लेकिन इस वाले जैकेट के लिए हम इसको उल्टा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हल्का सा कमर का सा शेप आ जाएगा। उससे बहुत थोड़ा सा शेप आएगा, लेकिन वो शेप में जरूर दिखाई देगा। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस 1.5 इंच को 1 इंच से होते हुए यहाँ मिला लेंगे। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। यह जैकेट है इसलिए हम इसका नेक थोड़ा ब्रॉड रखेंगे। ये हम पीछे वाला पोर्शन बना रहे हैं तो पीछे का नेक यहाँ से स्ट्रेट में मैं 3 इंच रखूंगी, और यह आपकी चॉइस पर है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और उसको ऐसे स्लांट मिलाएंगे। अगर आपको फिर उसके बाद आर्म होल आपका छोटा लगता है तो आप इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले सकते हैं। अब हम ये वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पोर्शन को इस तरह से रखेंगे। ये हमारी जुड़ी हुई साइड है और यह हमारी खुली हुई साइड है, तो इस खुली हुई साइड पर हम बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। 1/2 इंच हम इस तरफ थोड़ा ज्यादा रखेंगे और हम इसके बराबर इसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम सीधा लेंगे। अब हम ये पीछे वाले पोर्शन को हटा लेंगे। ये हमारा नेक वाला जगह है। यहाँ से हम 15 इंच 15 इंच इसको सीधा ऐसे रखेंगे। तो हम इसको हमें 15 इंच तैयार रखना है, तो हम यहाँ से 14.5 इंच इसको रखेंगे और इसको हम ये जो हल्का कर्व स्केल है उसको इस तरह से रखेंगे, ताकि हमारा गला भी तो रहे लेकिन एकदम चौड़ाई में थोड़ा कम ना हो, जिसको कि हम बोलते हैं सकरा ना हो। तो इसलिए हम इसको हल्के से गोलाई वाले स्केल के मदद से शेप दे देंगे। अब हम यहां से 1 इंच लेंगे और यहां से हम 4 इंच लेंगे। इसको हम इस तरह से स्लांट मिला लेंगे, तिरछा मिला लेंगे, और अब हम इस पार्ट की ऐसे कटिंग कर लेंगे।
आगे पीछे का आर्महोल इसमें बराबर रहेगा। आप चाहें तो आगे वाले आर्महोल को थोड़ा सा अंदर से डीप कटिंग दे सकते हैं आधा इंच की, और ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इस मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। इस कपड़े की विड्थ काफी ज्यादा है, यह टापेटा सिल्क फैब्रिक है। इसकी विड्थ 50 इंच है, तो यह हमारा आधा मीटर में भी बन जाएगा। यह कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम आप इस तरह से इसको रखेंगे। पीछे वाले पोर्शन को हमने फैलाया है, जुड़ी हुई साइड है, और यह हमारी ओपन साइड हम इस तरफ रखेंगे, और इस तरह से हमारा ये माप हो जाएगा और हम इसकी एज इट इज कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक दूसरे के ऊपर रख कर यहाँ नीचे की सिलाई करेंगे और यहाँ नेक की सिलाई करेंगे। पीछे वाले पोर्शन में हम सिर्फ ये दो सिलाइयाँ करेंगे, और आगे वाले पोर्शन में हम इसको इस तरह से रखेंगे। और इसको भी इसी तरह से रखेंगे। प्लेन फैब्रिक रहता है तो हमें थोड़ा ध्यान लगाना होता है कि हमारा दोनों पार्ट इस तरह से हो, एक पार्ट आपका इस तरह से ना हो जाए, इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। अब हम इसमें यहां पर और इस जगह पर सिलाई लगाएंगे, और ये आर्म होल पर भी सिलाई लगा देंगे। फिर हम इस कपड़े को टर्न कर लेंगे। दोनों पार्ट में हमें ऐसा ही करना है। अब हमने ये जैकेट के यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और ये नीचे की साइड भी इसकी सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमने इस पार्ट में भी सिलाइयाँ लगा ली है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ सिलाई लगाई है। आर्म होल पर भी हमने सिलाई लगाई है, उसके बाद हमने इसमें कट्स लगाए हैं। सब तरफ हमने कट लगाए हैं, स्पेशली ये कॉर्नर वाली जगहों पर। अब हम ये जो साइड वाली सिलाई है हमने खुली रखी है, तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। कॉर्नर्स को आप थोड़े अच्छे से निकालिए, आप चाहे पेन पेंसिल या किसी की मदद से इन्हें निकाल सकते हैं। अब हम इस पर ये लेस को यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ आकर इस तरफ हम रुकेंगे, और फिर हम ऐसे टर्न हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पर भी रुकेंगे और ऐसे टर्न हो जाएंगे। फिर हमें बस ये कॉर्नर्स को बनाने होंगे, तो इन कॉर्नर्स को आपको यहाँ आप रुकेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से टर्न हो जाएगा और कॉर्नर बन जाएगा। आप पहले ये किनारे वाली साइड पर सिलाई लगाइए, हर किनारे पर आप रुकिए, सुई को अंदर रखिए, फिर उठाइए और टर्न हो जाइए। हम सुई को यहाँ अंदर रखेंगे, फुट उठाएंगे और टर्न लेंगे। इस तरह से हम इनके कॉर्नर्स को बनाएंगे। अब हमने इसके यहाँ पर ये लेस लगा दी है दोनों पार्ट्स में। अब हम ये जो बैक वाला पोर्शन है इसके साथ हम इसको यहाँ रखेंगे। ये हमारी सिलाई लगी है, यहाँ पर हम इसको एकदम बराबर से रखेंगे, और यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे। अब हम यहाँ से ये आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हम ऐसा ही करेंगे, इस तरफ भी हम मार्क लगा देंगे सिलाई के इधर पास तक, यहाँ तक, और अब हम दोनों आर्म होल की सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसकी भी गोलाइयों में हम कट्स लगा देंगे, और इस तरफ भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लें। अब हम ये हमारा मेन फैब्रिक है, और ये नीचे हमारा अस्तर है, तो हम ये जगह से
इसको इसके अंदर की तरफ डालेंगे। ये भी आप ख्याल रखिए, ये आपका नेक का पोर्शन है तो ये नेक के पोर्शन की तरफ आए, आपको यहाँ से इसको अंदर लेना है। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा इस तरह से। मेन फैब्रिक आपका एक तरफ हो और ये दोनों तरफ हमारे अस्तर है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई कर दीजिए मजबूती के लिए। और फिर ये देखिए, हम इसको ये साइड से इसको ऐसे निकाल लेंगे और इसको पूरे को टर्न कर लेंगे। तो उससे पहले हम ये वाली साइड वाला भी ऐसे ही डाल देंगे। ये हमारा नेक का सीधा है, ये हमारा मेन फैब्रिक, ये मेन फैब्रिक हमारा। और यहाँ से इसको इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लें। अब हमने ये दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब हम इसको यहाँ से ऐसे निकालते हुए ये ऐसे पूरा एक साइड से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस जगह पर ये बड़ी फिनिशिंग से आ जाएगा, हमारी कोई भी सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगी। नीचे भी हमारा ये फिनिशिंग से मुड़ चुका है और यह साइड के आर्म होल भी हमारे बड़े अच्छे से बन गए हैं। यहाँ से हमारा ये नेक भी अच्छे से बन गया है। ये देखिए दोनों तरफ हमारा ऐसे हो चुका है। अब हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें भी हम ऐसी वाली लेस लगा लेंगे। अब देखिए हमारा ये जैकेट इस तरह से दिखाई देगा। अब हम सीधा ही इसको रखकर यहाँ से इसको सिलाई लगाएंगे और फिर पलटकर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम एक लूप बटन बनाकर लगा लेंगे। आप चाहें तो हुकाई भी लगा सकते हैं और लूप बटन भी लगा सकते हैं। इसके ये बैक पोर्शन में भी हमने लेस लगा दी है। अब हम इसको इस तरफ टर्न कर सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारी ये सारी सिलाइयाँ अंदर से फिनिशिंग से आ जाएगी। दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा ही सिलाई में लेंगे क्योंकि हमने मार्जिन लेते वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, तो बस आप लगभग आधा इंच का ऐसे मार्क करिए और फिटिंग का निशान लगा लीजिए और फिर आप ट्राई कीजिए। उसके बाद भी अगर लूज़ आता है तो फिर आप इसको थोड़ा और फिटिंग दे सकते हैं। बस अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और हमारा ये जैकेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है और हमारा ये जैकेट बनकर कंप्लीट है। इस जैकेट को आप शलवार कुर्ते, प्लाजो कुर्ता या फिर आप इसको गाउन के साथ भी पेयर कर सकते हैं। यह जैकेट एक मल्टीपर्पज़ यूज़ वाला जैकेट होता है। इस तरह से हमारा ये जैकेट बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।